नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषा के अव्यक्त रूप पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति जो है वह भाष धातु से हुई। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति जो है वह भाष धातु से हुई है और यह जो है भाष व्यक्तायाम वाची अर्थात भाषा जो है व्यक्त वाणी है। भाषा जो है वह व्यक्त वाणी है। व्यक्त वाक है, और वाक शब्द की व्युत्पत्ति जो है वह वच धातु से हुई और वच परिभाषणे परिभाषण के अर्थ में वच धातु का प्रयोग किया जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है वाक का, भाषा का माध्यम या भाषा का साधन। ध्यान में रखना है कि भाषा व्यक्त वाणी को कहते हैं। और यहां व्यक्त से तात्पर्य है मुखर, मौखिक, मुखर वाणी है यह मौखिक वाणी है। मुखर वाणी, व्यक्त वाणी अर्थात मुखर वाणी, मौखिक वाणी यह, और इसका सीधा सा अर्थ है मौखिक, मुखर या व्यक्त का मानव मुख के उच्चारण अवयवों से उच्चरित, मानव मुख के उच्चारण अवयवों से उच्चरित। व्यक्तवाणी का, व्यक्त भाषा का यही अर्थ होता है। मुखर वाणी, मौखिक वाणी या और मुखर या मौखिक का अर्थ होगा मानव मुख के उच्चारण अवयवों से उच्चरित। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है भाषा वह है जिसे बोला जाए, भाषा वह है जिसे बोला जाए, यानी भाषा वह है जो बोली जाती हो, भाषा वह है जो उच्चरित होती हो, या भाषा वह है जिसका उच्चारण होता हो। यह है व्यक्तवाणी का अर्थ। सोफिस्ट में प्लेटो ने, सोफिस्ट उनकी पुस्तक का नाम है, उसमें उन्होंने कहा है कि विचार और भाषा में
थोड़ा ही अंतर हुआ करता है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक सोफिस्ट में कहा है कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर हुआ करता है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, किंतु वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं, भाषा का नाम देते हैं। यह कहा है प्लेटो ने। वास्तव में जो मानसिक संवाद है वही विचार है, और वह जो है मूक या अध्वन्यात्मक होती, किंतु वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। वास्तव में विचार और भाषा में संबंध है। भाषा विचार की त्वचा होती है, जैसे त्वचा को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार विचार और भाषा को पृथक नहीं किया जा सकता। दोनों का विश्लेषण, दोनों का अलगाव, दोनों का मिलगाव वह संभव ही नहीं है। यह हमें ध्यान में रखना है। और तुलसीदास जी ने कहा है, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न ना भिन्न। यानी गिरा मतलब वाणी, भाषा, और अर्थ मतलब विचार। दोनों किस प्रकार हैं? जल और उसकी बीची के समान है, बीचियों के समान है, उर्मियों के समान, लहरों के समान। कहियत भिन्न, आप जल को और उसकी उर्मियों को भिन्न कह सकते हैं, परंतु भिन्न कहते हुए भी जल और उसकी उर्मियां, उसकी तरंगें भिन्न नहीं है।
यह जो है भाषा और विचार दोनों में जो संबंध है वह बताया कि भाषा विचार की त्वचा है, ये परिधान नहीं है, वस्त्र नहीं है। वस्त्र को शरीर से अलग किया जा सकता है परंतु त्वचा को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता है, यह हमने देखा है। तो भाषा ध्वन्यात्मक भाषा और अध्वन्यात्मक भाषा, तो ध्वन्यात्मक भाषा को ही जो बताया वह व्यक्त भाषा है, व्यक्त वाणी है, मौखिक भाषा है, मौखिक वाणी है, मुखर भाषा है, मुखर वाणी है, और जिसका मानव मुख के उच्चारण अवयवों से उच्चारण होता है। लेकिन अध्वन्यात्मक भाषा को यह व्यक्त भाषा बताया, अध्वन्यात्मक भाषा को ही अव्यक्त भाषा कहा जाता है। अव्यक्त भाषा कहा जाता है और अव्यक्त भाषा ध्वन्यात्मक भाषा को अपने यहाँ वैखरी कहा जाता है और इसका अपभ्रंश जो है वह बैखरी भी कहते हैं लोग। वैखरी या बैखरी यह ध्वन्यात्मक भाषा है और इसका स्थान जो है कंठ से लेकर तालु तक है। ध्यान में रखना है ध्वन्यात्मक भाषा, मौखिक भाषा, व्यक्त वाणी, मुखर भाषा जिसका मानव मुख से उच्चारण होता है, इसका स्थान कंठ है और कंठ से लेकर तालु तक है और कंठ में जो है वह विशुद्ध चक्र है। कंठ में जो है वह विशुद्ध चक्र है तो वैखरी का स्थान विशुद्ध चक्र है, वह कंठ है और कंठ के नीचे जो भाषाएं हैं वे तीन भाषाएं हैं, यह ध्यान में रखना है। वैखरी है जो व्यक्तवाणी है, वो सब बताया व्यक्तवाणी के विषय में, और इसका स्थान जो है कंठ में है, वहां विशुद्ध चक्र में है। और दूसरी भाषा जो है वह मध्यमा है, और यह मध्यमा जो है हृदय में और हृदय में अनाहत चक्र है, वहां इसका स्थान है। और तृतीय भाषा जो है पश्यंती है
और इसका स्थान जो है वह नाभि में है, और नाभि में स्वाधिष्ठान चक्र है। तृतीय भाषा जो है वह पश्यंती है, और पश्यंती का स्थान जो है वो नाभि के निकट स्थित स्वाधिष्ठान चक्र में। और चौथी भाषा जो है वह पराभाषा है, या इसको पश्यंती वाक भी कहते हैं, मध्यमा वाक भी कहते हैं, और वैखरी वाक भी कहते हैं। ये सभी चक्र हम जानते हैं कि मेरुदंड में स्थित माने गए हैं, यह ध्यान में रखना है, माने गए हैं कि मेरुदंड में ये सब चक्र। कबीरदास जब कहते हैं आठ कमल दस चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीनी चदरिया, तो आठ कमल आठ चक्रों के विषय में वह कह रहे हैं। और इन आठ चक्रों को समझना जो है वह आवश्यक है। अगर इन आठ चक्रों को नहीं समझेंगे तो कामायनी के आनंदवाद को नहीं समझ सकेंगे। राम की शक्ति पूजा में जब राम शक्ति की साधना करते तो उस स्थल को हम नहीं समझ सकेंगे। जैसा कि बताया कि वैखरी व्यक्तवाणी है, इसका स्थान कंठ में विशुद्ध चक्र में है, और दूसरी जो है यह व्यक्तवाणी है, परंतु ये तीनों अव्यक्तवाणियाँ हैं, परावाक, पश्यंती वाक और मध्यमा वाक। वाक एक ही है, जिस प्रकार मेरुदंड एक ही है उसी प्रकार वाक भी एक ही है, और जिस तरह से स्थिति के अनुसार इस मेरुदंड में चक्रों का स्थान है उसी प्रकार स्थिति के अनुसार इन भाषाओं का मेरुदंड में स्थान है। तो बताया कि वैखरी का स्थान विशुद्ध चक्र है, और विशुद्ध चक्र कहाँ अवस्थित है, कंठ में है। मध्यमा का स्थान हृदय है, और हृदय में कौन सा चक्र अवस्थित है, तो अनाहत चक्र है। पश्यंती वाक का स्थान नाभि है, और नाभि में कौन सा चक्र अवस्थित है, तो स्वाधिष्ठान चक्र अवस्थित है। और परावाक का स्थान जो है वह जो है क्या कहते हैं कि मेरुदंड के सबसे निचले हिस्से में है, इसको गुदामार्ग भी कहते हैं लोग, अंग्रेजी में जिसको एनस कह सकते हैं। तो उसका स्थान जो है यहाँ है, एनस में है, और यहाँ जो है इसमें ये मूलाधार चक्र स्थित है। चार चक्रों के विषय में हमने जान लिया कि मूलाधार चक्र कहाँ स्थित है, स्वाधिष्ठान चक्र कहाँ स्थित है, अनाहत चक्र कहाँ स्थित है, और विशुद्ध चक्र कहाँ स्थित है। तो परावाक जो है यह
मूलाधार चक्र में स्थित होता है और पश्चंती वाक्य जो है स्वाधिष्ठान चक्र में अवस्थित होता है, मध्यमा वाक्य जो है अनाहत चक्र में अवस्थित होता है और वैखरी वाक्य जो है वह कंठ में विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। यह सामान्य जन की भाषा है, लेकिन ये मध्यमा जो है वह प्रेम और भक्ति की भाषा है। इस भाषा को हृदय की भाषा कहा गया है और प्रेम और भक्ति हृदय में ही अवस्थित हैं, इसलिए इसको प्रेम और भक्ति की भाषा कहा गया है। और पश्यंती वाक्य जो है योगियों की भाषा है, इसको कोई कोई योगी ही, संत ही, साधक ही समझ सकता है। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे उच्च कोटि के साधक जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया था, ऐसे ही योगी इस भाषा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और यह भाषा जो है इसको जानना समझना जो है बड़े बड़े योगियों के लिए भी संभव नहीं है। तो यह हमने जाना है व्यक्त भाषा और अव्यक्त भाषा, इसको वैखरी कहते हैं और अव्यक्त भाषा मध्यमा है, पश्यंती है और परा है। तो यह हमने आज जाना है, आगे फिर हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।